कब तक अटके रहोगे तुम इन रीति और रिवाजों में। बेटा बंदूक लड़कों के लिए होती है, तुम ऐसा करो गुड़िया ले लो। नहीं पापा, मुझे यही बंदूक। बंदूक नहीं, गुड़िया ले लो। नहीं मुझे बंदूक चाहिए। अंकल आप गुड़िया दिखाइए, गुड़िया दीजिए इसको। कितने की है? 50 रुपए। ले लो गुड़िया ले लो। कब तक फर्क करोगे तुम इन बंदूकों इन गुड़ियों। देखो मैं फाइनल जीत गई। वो सब छोड़, तुझे देखने अभी लड़के वाले आ रहे हैं, तू जल्दी से सब कपड़े बदल और जाके उसी लड़की की तरह तैयार हो जाओ। अभी तक तुम्हारी रात तुम्हारी तैयार नहीं हुई। मैं बोल रहा हूँ अगर आज कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अभी आता हूँ, उतनी देर में मुझे तैयार मिलनी चाहिए। अब तो करने दो तुम पूरे सपनों को अरमानों को। दरवाजा खोलो बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। अरे बेटा बात तो सुनो बेटा। बेटा देखो जो पापा कह रहे हैं वो सही है। पर माँ मैं तो सोचती थी कि मैं एक लड़की ही पैदा हुई हूँ, पर तू बोल रही है लड़की की तरह रहना और पहनावा भी मायने रखता है। लेकिन मैं हो जाऊंगी तैयार, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो। एक स्त्री को अपने सपनों को दबाना जरूरी है क्या? एक स्त्री, एक बेटी, एक पत्नी बनने के लिए पुरुष की हर बात पे आए गुस्से को सहना जरूरी है। अब कर दो आजाद उन्हें तुम इन झूठी हथकड़ियों से। और आपकी दीदी तैयार हो गई कि नहीं? हाँ पापा, बस वो आ गई मुझे बहुत नहीं। अच्छा अच्छा, तैयार हो गए बेटा? पापा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटा। पापा आपने हमेशा मुझे बेटा क्यों कहा, जबकि बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे हर वो चीज दिलाई जो मैं नहीं चाहती थी। आपको याद है वो दिन जब मैंने आपसे बैट मांगा था और आपने मुझे बेलन देकर कहा था कि अपनी हद में रहो, लड़की हो लड़का नहीं और यही तुम्हारा भविष्य है। हाँ पापा, जब बेटी पैदा होती है तो वो सिर्फ बेटी होती है, लेकिन उसको स्त्री बनाते हैं हम, हमारा समाज, हमारा परिवार। हर बार बेटी और बेटे में फर्क करते हैं हम लोग, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। दीदी को एक मौका देकर तो देखिए ना प्लीज पापा। सुनिए जी, इसको एक मौका देकर तो देखिए। हाँ पापा, दीदी को एक चांस देकर तो देखिए प्लीज। पापा मेरे सपने पूरे होने पर जितनी खुशी मुझे होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी आपके और माँ के नाम जुड़े होने से होती है। न्यूज़पेपर में अगर मेरी फोटो निकलती है तो उसमें आपका और माँ का नाम भी साथ होता है। जब भी आंसू को अपने शौर्य से उसने समेटा है, तुमने बोला है उसे कि तू बेटी नहीं तू बेटा। Did it all?